नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतनु दास और इस वीडियो में मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ एक आध इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। पिछले दिनों ओप्पो इंडिया के तरफ से एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है और इसमें कहा गया है कि ओप्पो इंडिया के जो ग्रेटर नोएडा वाले फैक्ट्री है वहां पर किसी स्टाफ को कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो गया है। तो इसी को देखते हुए ओप्पो इंडिया ने अपने वो फैक्ट्री बंद कर दिए हैं। अब दोस्तों ये बंद टेम्पोररी बेसिस पर है और इसमें कहा गया है कि जितने सारे स्टाफ ओप्पो इंडिया के उस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं उन सभी को कोरोना की टेस्टिंग किया जाए और जो भी कोरोना टेस्टिंग पर नेगेटिव हो उन सारे स्टाफ को लेकर अब फिर से ये फैक्ट्री रीओपन किया जाएगा। अब दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि उस फैक्ट्री में 3000 वर्कर काम करते थे, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब देखना होगा कि कितने लोग उसमें इन्फेक्टेड होते हैं और कितने लोग नहीं होते हैं। तो जो लोग नहीं होगा उन सारे को लेकर फैक्ट्री फिर से चालू होगा और कब तक चालू होगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है। हालांकि उम्मीद हम लोग यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो फैक्ट्री चालू हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक प्रपोजल दिया गया था जिसके तहत इंडिया के जितने सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन सभी को इंडिया में हर एक जगह पर कनेक्टिविटी देना होगा 2020 के अंदर, और अगर कोई नहीं दे पाते हैं तो उसको 50 करोड़ रुपए की जुर्माना किया जाएगा। ऐसा ही कुछ कहा गया था पिछले दिनों गवर्नमेंट के तरफ से, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। अब जबकि कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है तो इसके तहत हर एक सेक्टर में काम रुका हुआ है और इसमें टेलीकॉम सेक्टर भी जुड़ा हुआ है। तो इसी को देखते हुए टेलीकॉम सेक्टर के जो बॉडीज हैं जिसको हम COAI के नाम से जानते हैं उनके तरफ से DOT को एक लेटर भेजा गया है और दोस्तों उस लेटर में कुछ बातें कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि गवर्नमेंट जो टाइम पीरियड ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं उसको 6 से लेकर 9 महीने तक बढ़ा दिया जाए ताकि कोरोना वायरस के पैंडेमिक के जो सिचुएशन है ये थोड़ा कम हो और कंपनी अपने तरफ से काम कर पाए। इसके अलावा कहा गया है जो 50 करोड़ रुपए की जुर्माना है वो तो वो लोग देंगे ही, लेकिन कोई एक इंडिविजुअल कंपनी ना देकर पूरी जो 4 कंपनी आज के दिन में इंडिया में है सब मिलाकर वो पैसा दे। अब दोस्तों देखना होगा गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसके साथ COAI के तरफ से लंबा चौड़ा और भी कुछ बातें कहा गया है जिनमें प्रमुखता कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते हुए कोई भी स्टाफ या फिर वर्कर उन लोगों को नहीं मिल रहा है टावर लगाने के लिए, इसीलिए वो लोग टावर नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर टावर के जितने सारे इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी सही तरीके से प्रोडक्शन में नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये काम में देरी हो रहा है। अब दोस्तों यहां पर कहा गया है कि इंडिया के जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन लोगों को जो कंपनी टेलीकॉम गियर सप्लाई करते हैं जैसे कि एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, जेटी, वायवे, इन सारी कंपनी के तरफ से भी उन सारे प्रोडक्ट को यूज या फिर भेजा नहीं जा रहा है। कुछ प्रोडक्ट डॉक पर अभी भी है, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास पड़ा हुआ है। तो जब तक उन सारे प्रोडक्ट को वो अपने पास नहीं ले लेते हैं या फिर इंडिया में नहीं आते हैं तब तक ये काम करना मुश्किल है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट के पास ये लेटर भेजा गया है। अब देखना होगा गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन या फिर डिसीजन लेते हैं। खैर जो भी लेगा उसके बारे में भी शायद इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पिछले दिनों निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 5 चरणों में 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा हो गया है, लेकिन इसमें टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा ही कहना है राजन मैथ्यूज की, जो कहे डायरेक्टर ऑफ जनरल COAI की। दोस्तों उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं निर्मला सीतारमन जी के इस घोषणा से, क्योंकि उन्होंने सोचा था या फिर टेलीकॉम ऑपरेटरों के द्वारा सोचा गया था कि कम से कम टेलीकॉम ऑपरेटर के जो लाइसेंस फीस है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि टेलीकॉम ऑपरेटर प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर पाए, कुछ एक आध प्रॉफिट के बारे में भी वो लोग सोच सके या फिर प्रॉफिट अपने बिजनेस पे देख सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इसी के चलते टेलीकॉम
जो टेलकोस ग्रुप है या फिर टेलीकॉम कंपनीज है उन सारे में भी बहुत ही नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है, ऐसा ही कहा गया है COAI के तरफ से। यूएस गवर्नमेंट के तरफ से पिछले दिनों वायव्य के ऊपर और एक स्टेप लिया गया है जिसमें कहा गया है कि यूएस में बने हुए कोई भी प्रोडक्ट वायव्य को डायरेक्टली सेल नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है शायद कि वायव्य अपने मोबाइल में अपना ही चिप यूज करते हैं, मतलब जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। अब दोस्तों प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही बनता है जिसको हम सेमीकंडक्टर चिप भी कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर यूएस ने कहा है कि वायव्य को सेमीकंडक्टर चिप सेल नहीं किया जाएगा। अगर कोई कंपनी सेल करता है तो इसके लिए यूएस गवर्नमेंट के पास परमिशन लेना होगा, यूएस गवर्नमेंट परमिशन देगा फिर जाकर इस कंपनी उस वायव्य को अपना चिप सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए मैं कह दूं कि अलग अलग कंपनी चिप आर्किटेक्ट करता है, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं वो आर्किटेक्ट कर सकता है, जैसे कि क्वालकॉम हो गया, स्नैपड्रैगन या फिर वायव्य, इन सारे कंपनी आर्किटेक्ट कर सकता है, मतलब उसको ड्रॉइंग कर सकता है उसमें क्या है नहीं है रिसर्च कर सकता है, लेकिन बनाने का काम ये जो चिप है इसको बनाने का काम यूएस के ही कंपनी करते हैं। आज तक तो ऐसा ही हुआ है, आगे चलकर क्या होगा इसके बारे में पता नहीं। और दोस्तों इसके साथ कहा गया है कि कोई भी कंपनी, मतलब यूएस की कोई भी कंपनी ये चिप बनाने के लिए इक्विपमेंट्स भी किसी दूसरे देश को, स्पेशली चाइना को नहीं देगा। अगर देगा तो उस कंपनी के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध लग जाएगा, ऐसा ही कुछ कहना है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के तरफ से। अब दोस्तों वायव्य के जो मोबाइल था वो पहले से ही मार खा रहा था, वो कैसे आप लोगों को शायद पता है कि वायव्य के मोबाइल में एंड्रॉइड कंपैटिबल नहीं है फिलहाल, पहले होता था, और एंड्रॉइड जिस मोबाइल पर है उसमें भी अपडेट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वायव्य इसी को देखते हुए अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम लाया था, लेकिन दोस्तों अगर मोबाइल में प्रोसेसर ही नहीं होगा तो वो मोबाइल तो मोबाइल नहीं होता है, उसमें कोई काम भी नहीं होगा। अब दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए चाइना ने भी रिटेलिएट करने के लिए सोचा है और कहा है कि यूएस के भी बहुत सारे कंपनी के ऊपर वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने जा रहा है। खैर देखना होगा कि चाइना क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, यूएस क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, कंपनी अलग अलग देश में जाते हैं क्या होता है, इन सारे के ऊपर आगे भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा और मैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों आज के दिन में मुझे लगता है कि ट्रेड वॉर कम तो नहीं होगा, आगे बढ़ने ही वाला है। हालांकि जाते जाते मैं एक बात आप लोगों के साथ और भी शेयर कर दूं कि पिछले दिनों बहुत ही ज्यादा हाइप चल रहा था कि इंडिया में बहुत सारे कंपनी आने वाला है, स्पेशली यूएस बेस्ड कंपनी, लेकिन पिछले दिनों ट्रंप के जो बयान है उसके तहत कोई भी यूएस की कंपनी शायद ही इंडिया में आए, क्योंकि ट्रंप ने एप्पल को भी कहा है कि आप आकर यूएस में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, दूसरे किसी भी देश यहां तक कि इंडिया में भी अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर टैरिफ या फिर टैक्स ज्यादा लगा दिया जाएगा। अब दोस्तों कोई ऐसा कंपनी थोड़ी है जो कि कम टैक्स छोड़कर ज्यादा टैक्स देने के लिए इंडिया में आएगा, देखना होगा कि आगे चलकर इसके ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। मेरे हिसाब से ये जो बयान है ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में आने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन को देखते हुए। अब दोस्तों नवंबर में यूएस में प्रेसिडेंसी इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि इसके ऊपर एक्चुअल में क्या क्या होते हैं, लेकिन तब तक बयानबाजी ही चलता रहेगा और हम लोगों को इसी बयान से काम चलाना पड़ेगा। तो खैर देखना होगा कि ट्रंप बाहू क्या करते हैं, क्योंकि वो आज कुछ और कल कुछ, या फिर ऐसा भी होता है कि दिन में कुछ और रात में कुछ बयान देते हैं। खैर इसके ऊपर इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ काम तो किया ही जाएगा, क्योंकि कंपनी को लाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे कमिटमेंट भी गवर्नमेंट के तरफ से कर दिया गया है। देखना होगा इसके ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।